हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो सबसे पहले हमने नट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। जो भी नट्स आपके पास हों थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लें। और साथ में हाफ कप सूजी, हाफ कप मिल्क, 1 कप वाटर और 2 टेबलस्पून घी। तो सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं और वो थोड़ा सा उसको गरम करते हैं। तो यहाँ हमने अपने पैन के अंदर रोस्ट करने के लिए काजू, बादाम और जो भी नट्स थे आपके वो डाल दिए हैं। और ये इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करना है और हल्का सा रोस्ट करने के बाद में हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। और फिर हम इसमें हाफ कप ऑफ हमारी जो सूजी है वो डाल देंगे और इसको स्टिर करेंगे। साइड में जो हमारे नट्स रखे हैं उसमें से किशमिश को अलग करके हम उसको थोड़ा छोटा छोटा चॉप कर देंगे। और यहाँ हम चाशनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने हाफ कप ऑफ शुगर डाला है, फिर 1 कप वाटर डाला है और 1-2 सैफरन के थ्रेड्स डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास में सैफरन नहीं है तो आप कोई भी फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, और येलो और ऑरेंज, ओनली 1 or 2 ड्रॉप। और फिर हम इसको गैस पे चढ़ा देंगे और इस चाशनी को हमको बहुत देर तक बॉईल नहीं करना है, जस्ट एक बॉईल आ जाए और फिर हम इसको बंद कर देंगे। यहाँ हमारी सूजी भी रोस्ट हो रही है, इसको हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट करते रहेंगे। हल्का ब्राउनिश कलर आते ही इसके अंदर हम इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ घी डाल देंगे, कि जो भी तरह का आपके पास घी हो आप डाल सकते हैं। और फिर इसको मिक्स करके अच्छे से स्टिर करते रहेंगे। मेक श्योर कि अच्छे से स्टिर करें, इसको मिक्स करें ताकि कोई लम्स नहीं पड़े। अगर लम्स पड़ेगा तो फिर हमारा हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ स्टिर करते हुए मुझे 1 से 2 मिनट हो गया है और मेरी सूजी जो है वो स्टिर करते करते हल्की ब्राउनिश से थोड़ा डार्क ब्राउनिश की तरफ होती जा रही है। तो जैसे ही ये डार्क ब्राउनिश हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं इस कलर की हो जाए, तो इट्स रेडी है। अब आप इसके अंदर अपनी चाशनी को ऐड कर सकते हैं। चाशनी जो कि हमने साइड में एक उबाल आने पर इसको बंद कर दिया था, अब उसी चाशनी को आप इस हलवे में सूजी में डाल दीजिए और फिर इसको स्टिर कर दीजिए। देखिए अब चाशनी में पूरी तरह से सूजी चाशनी में अब्जॉर्ब हो गई है और पूरा पानी ख़त्म हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पे हमारे जो थोड़े से नट्स थे, थोड़े से ही हम नट्स इसके अंदर डाल देंगे ताकि नट्स भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और इसके बाद में हम जो हमारे पास मिल्क है हाफ कप,
वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर लेंगे। ऐड हो गया है, पहले मैंने थोड़ा किया था, आफ्टर दैट मैंने उसको ऐड किया है ताकि कोई भी लम्स नहीं पड़े। किसी भी तरह का हलवा जब हम बनाते हैं तो बस उसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि उसको स्टेरिंग अच्छे से प्रॉपरली हो ताकि उसमें कोई लम्स नहीं बने और हमें खाने में कोई भी बीच में लम्स नहीं। देखिए हमारा हलवा ऑलमोस्ट बन गया है और इसमें से हर तरह से ये पानी और दूध एब्जॉर्ब हो गया है इसके अंदर, और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो देखिए हमारा हलवा रेडी है और हमने इसमें गार्निश करने के लिए हमारे जो नट्स थे उसको छोटा छोटा काट लिया था और वो अब इसके ऊपर डाल दिया है, तो इट्स लुकिंग यम्मी। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करें, हलवा बनाएं, खाएं और मुझे बताएं कि कैसा बना था। और अच्छा लगा रेसिपी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।